ए वाह बेटा, हाथ हिला दो थोड़ा। ये जा रही है सामने का। वो बैठे सामने सोनू भाई, नजर आया आपको? सीन ये था कि एक लेडीज को लूटा था और सोनू भाई को बुर्का पहनाया हुआ था, और सोनू भाई जो है ना वो बुर्का पहन के अभी इस वक्त बैठे हैं पुलिस के मोबाइल तो। लेकिन पुलिस वाले अच्छे हैं आपके भाई। भाई सीन ये है कि यहाँ पर हम लोग बैरियर टाउन में आए हैं और बहुत सारे मेरे साथ यूट्यूबर हैं। ये अहमद भाई ने बड़े यूट्यूबर, माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है सर, क्या लग रहे हैं आप लाल लाल कैप में? देखिए क्या हो गया आपको, अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरी निकाह की पिक्चर लगा दी यार किसने? ये शादी मुफ्ता नहीं है मेरा, ये निकाह की पिक्चर है भाई माशाल्लाह। ये देखें, चेक करें हमारा पूरा। अच्छा नाम सही लिखा है, नाम का है मेरा, नाम का ऐसा लग रहा है दुल्हा दुल्हन। भाई बात सुने, बात सुने। सबसे मुझे खुशी ये है कि मेरा नाम इन्होंने सही लिखा है, मिशकात खान। भाई यूट्यूबर चेक करें, सारे के सारे यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर आजकल ऐसे पैदा हो रहे हैं जैसे पत्थर उठाओ और यूट्यूबर निकलता है अंदर से। भाई भाई बड़ी मेहनत के बाद आए हैं, 15 साल आपके, 15 साल मेहनत करिए जाके YouTube पे कमाना शुरू। YouTube पे आते हैं आप कितने साल से कर रहे हैं मेहनत? YouTube पे आते हैं जी, मुझे भी दिसंबर में हो जाएंगे पूरे 2 साल। अच्छा। और 2 साल में अल्लाह ने वो मेहनत दी है जो आप लोगों को 50-50 साल में नहीं मिली। जी जी नजर आ रही है माशाल्लाह, माशाल्लाह नजर आ रही है मेहनत। और YouTube पे कामयाब होने के लिए ना बहुत मेहनत करती है। कौन करती है, कौन करती है, कौन करती है भाई? YouTube पे कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है भाई। माशाल्लाह से बैरियर डाउन की आप लोकेशन चेक करें। ओए होए, पहले भी हम लोग यहाँ पर आए थे। सोनू भाई डर लग रहे हैं यहाँ खड़े होके? वैसे सोनू भाई एक बात बताओ, यहाँ से आप थूक फेंकोगे कितनी देर तक नीचे जाएगा? हाँ। कितनी देर में चला जाएगा नीचे? जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए। अबे बंदे में लग गया, अबे बंदे में लग गया, बंदे में लग गया। अबे थूक बंदे के ऊपर गिरा है। सोनू भाई ने ना ऊपर से थूक मारा सीधा बंदे के सर पे। माशाल्लाह भाई फुल हमारे इस्तकबाल में चेक करें आप। ये क्या है? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, वो ये कैसे फटा? अबे कैसे फट रहा है रिजवान भाई? आपको हम नीचे ढूंढ रहे थे, आप यहाँ बैठे हुए यार। तुरंत आ गए थे, कैसे आ गए, कौन सी स्पीड से आए थे आप? उछल उछल के आए? सब लगा दी मैंने स्पीड, सब लगा दी। ओए होए, उछलने का काम सोनू भाई का, उछलने का काम सोनू भाई का, ये बात है भाई। ये अहमद भाई की पिक्चर देखो और अहमद भाई को रियल में देखो, ये देखो जमीन आसमान का फर्क है। ये देखो ये देखो ये कौन सा मूव बन रहा है यार, ये तो ज्यादती है। देखो इतना छोटा बंदा है, इतने बड़ी सोफे पे बैठा हुआ है, इतना बड़ा बंदा है इतनी छोटी सी चेयर पे बैठा हुआ है, तो ज्यादती है यार, गलत बात है यार ये। सुनो भाई इधर आओ, सुनो भाई इधर आओ, देखो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो झूला 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 झूला, बैठो 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 बैठो। हाँ भाई, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। अबे झूला टेढ़ा कर दिया सुनो भाई आपने तो। लोग भाई हम लोग शूट कर रहे होते हैं ना, शूट के दरमियान हमारे साथ बहुत ही कभी कभी अजीब चीजें हो जाती हैं जो कि हमेशा याद रहती हैं। तो भाई अभी रिसेंट हम वीडियो शूट कर रहे थे फनफिन की, उसमें हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा भंड हो गया। भंड ये था कि हम लोग एक वीडियो कर रहे थे स्नैचर्स के ऊपर, चूंकि आपको पता है कि कराची में स्नैचिंग वगैरह बहुत ज्यादा चल रही है, तो हम लोग स्नैचिंग पे एक वीडियो शूट कर रहे थे। तो उसमें जाहिर सी बात है स्नैचिंग की वीडियो शूट करने में आपको एक नकली गन भी चाहिए होती है, आपको गेटअप भी वैसा करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको एक मंजर क्रिएट करना पड़ता है जिसमें स्नैचिंग हो रही है। अभी गन की आवाज़ भी आई लेकिन ये बलून फटा। तो अभी मैं बैरियर टाउन में मौजूद हूँ, मैंने कहा आपको स्टोरी सुना दूँ कि क्या सीन हमारे साथ इस वीडियो में हुआ। तो सीन ये था कि हम लोग स्नैचिंग का एक पार्ट हम बना रहे थे जिसमें मैं और फहाद जो है ना हम लोग स्नैचर थे। बड़ी जबरदस्त वीडियो, आप लोग जाके फनफिन में लाजमी देखें। तो हम लोग स्नैचर बने हुए थे, हम ना एक लेडीज को लूट रहे थे, एक आंटी को लूट रहे थे जो कि सोनू भाई बने हुए थे। तो हम लोग आराम से क्रिएट कर रहे थे। अच्छा हम लोग क्रिएट भी उस जगह कर रहे थे जहाँ हमें पता है गार्ड्स वगैरह मौजूद थे, सारे जानने वाले हमारे एरिया के पास ही हम लोग शूट कर रहे थे। शूट वीडियो शूट, कोई शूट नहीं, वीडियो शूट कर रहे थे। मेरा सीन ये था कि मैं ना लड़की को देख रहा हूँ और मुझे उससे इश्क हो गया। मैं ना उसको यूं करके देख रहा हूँ, लड़की को प्यार से देख रहा हूँ, ऐसे स्माइल कर रहा हूँ, सही है। अचानक से हुआ ये कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और अचानक से शोर हो गया कि पकड़ो इनको, वो करो। अबे हमने कहा ये क्या हो गया, पता चला कि पुलिस वाले उतरे और उन्होंने हमें जो है ना बोला कि मोबाइल में बैठो और थाने चलो। हमने कहा ये हमने किया क्या है, हमने कुछ जुर्म थोड़ी किया। तो हम समझ गए थे कि पुलिस वालों को किसी ने इन्फॉर्म किया है कि यार यहाँ पर ना ये लोग कोई स्नैचर घूम रहे हैं या स्नैचिंग का सीन हो रहा है। तो पुलिस वालों ने खैर सोनू भाई को बुरके की हालत में, बुरका पहने हुए थे सोनू भाई, मोबाइल में बिठा दिया, मोबाइल में बिठाया सोनू भाई बुरका पहन के बैठे हुए लेडीज बनकर। वो आपको मैं सीन दिखाता हूँ भाई। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें पुलिस ने पकड़ लिया। सीन ये था कि एक लेडीज को लूटा था और सोनू भाई को बुरका पहनाया हुआ था, और सोनू भाई जो है ना वो बुरका पहन के अभी इस वक्त बैठे हैं पुलिस के मोबाइल में। मोबाइल कहाँ गए, मोबाइल कहाँ गए, मोबाइल मोबाइल। अच्छा उन्होंने अभी हमें कहा है कि थाने पे पहुंचो, और इबाद भी, मैं भी और फहाद भी, हम लोग अभी थाने में जा रहे हैं। पुलिस ने हमारे खिलाफ जो है ना अभी कंप्लेंट की है, किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की थी
तो अब सीन ये पुलिस भाई पुलिस वाले को पता ही नहीं हमारे पास गन थी मगर नकली गन यार, गन जो बच्चे लेके छर्रे वाली गन होती है ना वो हमारे पास, छर्रे वाली भी नहीं थी वो पुछ वाली थी, पुछ वाली जो पानी निकलने वाली होती है ना वो वाली गन थी। अभी देखते हैं क्या सीन, अभी हम जा रहे थाने और तो टेंशन की बात तो नहीं है, टेंशन अब कहाँ होती है हमें, टेंशन मक्का वा मामा। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा फनी सीन ये है अभी इस वक्त सोनू भाई जो है ना वो पुलिस की गाड़ी में बैठे बुरका पहन के भाई वो बैठे सामने, वो बैठे जूम करके दिखाता हूँ, वो बैठे सामने सोनू भाई, नजर आया आपको? अरे वाह बेटा हाथ हिला दो थोड़ा, सोनू भाई बुरका पहन के बैठे हैं भाई सामने गाड़ी जा रही है। और ये ना हम लोग बड़े रिस्की सीन शूट कर रहे थे, असल में जो सीन गन के साथ होता है ना, गन के साथ और स्नैचिंग वाला सीन वो बड़ा रिस्की होता है यार, उसको शूट करना ना अजाब होता है क्योंकि हर चीज का ख्याल करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ऐसी जगह पर शूट करते हैं जहाँ पर इलाका हो अपना सारे लोग जानते हो, लेकिन फिर भी किसी ने कंप्लेन की हमारे खिलाफ। तो अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, बात भी जा रहा है सामने बात, ये बात जा रहा है और वो सामने सोनू भाई बुरका पहन के बैठे हैं। लेकिन पुलिस वाले अच्छे हैं अपने भाई अच्छे हैं, उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी है तो हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं अपनी। भाई सबसे मजेदार सीन पता क्या था, सबसे मजेदार सीन ये था कि मैं एक स्नैचर बना हुआ था और स्नैचर का फुल उस्ताद बना हुआ था। मेरा सीन ये था कि एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो रही है, सही है, लड़की से मैं मोहब्बत के इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि यार इस स्नैचर को लड़की से मोहब्बत हो रही है, पूरी आंखें यूं करके फुल नशीली आंखें बनाकर, मतलब ना मैं उस सीन को इमेजिन कर रहा था, मैं इतना करेक्टर में आया हुआ था। अचानक से क्या हुआ, ब्लर में कैमरे में नजर भी आ रहा है आप लोग देखिएगा, ब्लर में पुलिस की गाड़ी आ गई यूं करके रुकी और अचानक से ओ पकड़ो इनको। मैंने कहा उस्ताद ये क्या सीन है, मैं तो फौरन से ना मतलब वो हो गया करेक्टर से बाहर ही आ गया। तो भाई आप लोगों ने देखा सोनू भाई किस तरह पुलिस की मोबाइल में बैठ के आराम से जा रहे हैं और फुल चिल घूम रहे हैं, हम लोग भी चिल घूम रहे हैं क्योंकि हमें पता था भाई हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम तो एक नॉर्मल शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। ये हमारे सोनू भाई है, क्या हो गया चश्मा तो पहनो अपना वाला, ये देखो ये चश्मा चेक कर, अहमद भाई का चश्मा गाड़ लिया हमने। तो सोनू भाई क्या हुआ था आपके साथ जरा बताना और दो मजदूरों ने कम्प्लेन की थी, मजदूरों ने कैमरा देखा नहीं वाला ढूंढे है वो पुलिस वाले, आपको पता है वो औरत को लूट रहे हैं, औरत के अंदर से मर्द निकला, मर्द निकला पुलिस वाले परेशान होगा ये क्या आ रहा है। तो वही सीन ये हुआ था कि हम लोग ना अपनी जो शूट कर रहे थे तो दो वहां से कोई मजदूर घूम रहे थे, मजदूर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा यार ये तो स्नैचिंग हो रही है, वो लोग डर गए, या तो डर गए या फिर वो हमसे जलते थे जेलिस थे, पता नहीं क्या सीन था, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को जाके कंप्लेन कर दी कि भाई यहाँ पर उस्ताद कोई सीन चल रहा है और यहाँ पर स्नैचर हैं, आप जाके स्नैचर्स को पकड़ लें। तो सीन ये हुआ कि हम लोग थाने पहुंचे, हम लोग चिल थे, पुलिस वाले ना सोनू भाई को देख के थोड़े मजाक के मूड में आ गए कि अबे लड़की बन के घूम रहा है क्या, ड्रामे बना रहे थे। तो जब बड़ा जो पुलिस ऑफिसर था ना उसको उसके पास सोनू भाई को लेके गए, सोनू भाई बताएंगे हुआ क्या। सोनू भाई जब आपको बड़े पुलिस ऑफिसर के पास करीब तो आओ, बड़े पुलिस ऑफिसर के पास लेकर गए तो क्या हुआ था वहाँ पर, सोनू भाई को ना बुरका वर्का पहनाकर वो जो पुलिस का कांस्टेबल था ना वो बड़े ऑफिसर के पास ले गया और वो समझ रहा था वाकई में वो लेडीज है, लेडीज है, वो हाथ सर पर रख रहा है, उसे पाँव देखा जैसे ही उसने देखा सोनू भाई के नीचे पाँव और पाँव में दो पट्टी वाली चप्पल और हाथ में बड़े बड़े बाल, दिल टूट गया उसका, दिल टूट गया उसने कहा उस्ताद ये तो अंदर से मर्द है। खैर वहाँ पर जो है ना पुलिस वालों की जाहिर सी बात जिम्मेदारी होती है कि भाई जो भी कोई ऐसा जुर्म हो रहा है उनका काम है कि भाई उनका फर्ज है कि उस चीज़ को देखें और उसको इन्वेस्टिगेट करें कि वाकई में स्नैचिंग तो नहीं हो रही। और हमें भी काफ़ी ज़्यादा सबक मिला इस चीज़ से, उन्होंने कहा कि जब भी आपको कोई शूट करनी हो ना तो आइंदा आप एक लेटर आता है थाने से, लेटर मिलता है वो आप लेकर जाएं कि भाई हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं, हमारे साथ एक पुलिस की आप मोबाइल दे दें तो हम लोग उन्हीं की निगरानी में शूट कर सकते हैं। असल में पुलिस वाले अपनी जगह पर बैठते हैं, सेक्टर 9 में ये सीन हो चुका है, एक औरत स्नैचर बुरके में आई थी और मर्द भी था और उसने वीडियो दिखाई भी थी, वो पुलिस वाले भी अपनी जगह पर राइट पे हैं। बिल्कुल पुलिस वाले अपनी जगह बिल्कुल राइट थे क्योंकि हमारे पास जो गन थी, अब खुदा ना खास्ता गन असली होती तो, अगर खुदा ना खास्ता कोई शूट के बहाने से स्नैचिंग कर रहा होता तो बहुत सारे सीन हो सकते हैं भाई, कोई भी जुर्म कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो है वो प्लास्टिक वाली गन थी। जब उन्होंने देखा कि यार इनके पास तो प्लास्टिक वाली गन है, फिर उन्होंने हमारी वीडियोस भी देखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो हमें पहचान भी गए, बहुत सारे लोग पहचान गए कि भाई तुम्हें तो देखा हुआ है। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया गया यार ये शरीफ लड़के हैं, तो उन्होंने हमें तंबी करके आगे जाने दे दिया। तो भाई इस तरह के सीन बहुत सारे हमारे साथ होते हैं और बड़ा इससे सीखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारी हम गलतियाँ कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई हैं वो भी बहुत सारी गलती कर रहे होते हैं, कभी भी कोई स्नैचिंग वाला सीन कर रहे हैं आप लोग, कभी कोई प्लास्टिक की गन लेके भी जा रहे हैं तो आप लाजमी थाने को इन्फॉर्म करें,
और पुलिस वालों की निगरानी में ही आप शूट करें। वो तो उन्होंने ऑफर की है ना कि हमारे स्टेशन के बाहर वाली गली उधर कर लो। हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप थाने के बाहर ही शूट कर लो, हमारे सामने ही शूट कर लो, कोई इशू नहीं है। हाँ। शूटिंग से आपको कोई मसला नहीं है, बस ये है कि आप इलाके के अंदर, अब हमारा मसला ये था, हमने ना ट्राइपॉड निकाला हुआ था, इबाद दूर से कैमरे से शूट कर रहा था, तो कैमरा मैन नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ स्नैचिंग का सीन नज़र आ रहा था, तो इसलिए ये वंड हो गया था कि यार ये वाकई में स्नैचर तो नहीं है, तो वो दो मजदूर ने कंप्लेन कर दी, तो ये सारा सीन हो गया। ये तो बचत हो जानी थी आपकी, क्यों बचत हो जानी थी भाई? है? आपको ये वो इमरान खान के भतीजे हो गया? नहीं, इमरान खान के भतीजे नहीं, वो नवाज शरीफ के भांजे हो? मेरी बरादरी है ना सर। अच्छा, सोनू भाई का तो पूरा घराना माशाल्लाह से पुलिस में, इनके वालिद साहब भी आज तक बताया नहीं, बता दूं? हाँ, हाँ, बता दूं। इनके वालिद साहब जो है, सोनू भाई के वालिद साहब जो है, वो पुलिस में थे और पुलिस में ही ड्यूटी करते हुए उनकी शहादत हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया था किसी डाकू वगैरह ने कुछ, मेरे ख्याल से भी पुलिस में थे वो एसएचओ थे, और दो मामले। वालिद साहब को किसने शहीद किया था? डाकू वगैरह ने गोली मार दी थी, डाकू वगैरह से लड़ते हुए इनके वालिद साहब शहीद हुए थे, और आज तक इनके घर पे, सोनू भाई के घर पे पिक्चर भी लगी हुई है इनके वालिद साहब की। तो सोनू मामू भी मेरे पुलिस, दो मामू भी पुलिस में, नाना भी ऐसा ही है, दोनों ऐसा ही है, नाना भी पुलिस में, पुलिस में थे, इंतकाल हो गया। अबे तो आप भी वैसे पुलिस का ड्रेस पहनकर आए हो आज तो? मैं भी बस कुछ ना कुछ सीन चल, वैसे सोनू भाई भी इंशाल्लाह बहुत जल्द है ना कुछ आसर इनका हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो भाई अभी हम एक सीन करने आए हैं यहाँ पर, मैंने कहा आपको स्टोरी सुना दूं, तो जो यहाँ पर हम जिस मकसद के लिए आए थे वो आप जरा देख लें। भाई वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताते हैं, वो है डील्स आबाद के बारे में। डील्स आबाद बैरियर टाउन में एक नया मोबाइल मार्केट लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ही यूनिक चीज है। अभी एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं डील्स आबाद के, इनसे हम बात करते हैं कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? क्या सीन है, क्या मोबाइल मार्केट वगैरह नई स्टार्ट किया आपने? अच्छा, देखिए मुर्शिद भाई, मोबाइल मार्केट बेसिकली हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि पिकेडली स्वीट्स में है, पिकेडली स्वीट्स प्रिसिंक्ट 2 में, मेन बिजनेस स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे, बैरियर टाउन के अंदर है, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रिसिंक्ट 2 में है, मेन जिन एवेन्यू के बिल्कुल बैक साइड पे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए कैसा रहेगा? सर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो देखें सबसे बेहतरीन जगह, बिकॉज हमने आज तक सदर हो गया या सरीना मोबाइल मार्केट हो गई, हमने ये देखी सारी गुंजान आबाद इलाके में ना, ये बैरियर टाउन के उस इलाके में जो सबसे ज़्यादा गुंजान और आबाद है, प्रिसिंक्ट 2, जहाँ इकबाल और कायद विला जो है मशहूर विला बने हुए हैं। भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें। अच्छा, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है ये भी बता दें? सर, इसको टोटल कॉस्ट तकरीबन 35+37 तक, एक साथ देनी है या इंस्टॉलमेंट? नहीं सर, इंस्टॉलमेंट पे 5 साल 5 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे, जो डील्स आबाद हमेशा लाता है अपना यूनिक फैक्टर। वो कॉस्ट कितनी बताई आपने? 37 लाख तक है। 37 लाख है और 5 साल में आपको पूरे करने हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है, और आप इसकी डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लाजमी आप यहाँ पर विजिट करें और लाजमी सोचें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। भाई आप चेक करें कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं, कितने चेरीज लगे हुए हैं यहाँ पर, कितने प्यारे प्यारे पौधे, ये चेक करें आप, ये पेंटिंग कितनी प्यारी है और जबरदस्त। अबे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे वॉशरूम है, और क्या ये क्या मेरा? अबे तो कौन से वॉशरूम में घासें वासे लगी हुई होती है? वॉशरूम वीआईपी है ऐसा लग रहा है, अमेरिका कनाडा का वॉशरूम है। अबे इस वॉशरूम से तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं चाहेगा फिर बंदे का। तो क्या दो बंदे इधर आ गए क्या एक ही जगह पे? पाकिस्तान है भाई। अच्छा मैं समझा ये रूम में आ रही हुई क्या? मतलब बंदा यहाँ बैठ के पेंटिंग एंजॉय कर रही है, देखो यहाँ बैठे हुए तुम पेंटिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये पौधे की खुशबू आ रही है। ओए भाई इन्होंने माहौल बनाया हुआ ताकि आराम से निकले, पांव-पांव आराम से निकले हमारा। यार वॉशरूम ना बंदे का ऐसा होना चाहिए मतलब सुकून से करे ना जो भी। अमेरिका का बाथरूम है, पाकिस्तानी बाथरूम में जाओ सामने दीवार पे लिखा हुआ होता है दुनिया चांद पर पहुंच गई तो अभी तक यहीं बैठा हूं। दीवारों पे लिखा हुआ होता खुदा ना खान लड़कियों के नंबर। अच्छा निकल भी जाती है, आपने किया ट्राई? मैंने कभी कॉल की नहीं, सब मोबाइल नहीं था। अच्छा ये देखो यहाँ लिखा हुआ है दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये दिल गार्डन गार्डन हो गया क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? अबे दिल मतलब बंदा फारिग होने के बाद दिल मतलब फारिग हुआ यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन की जगह ये कर दे दिल पोटी पोटी हो गया। भाई पूरा सेटअप है, ये चेक करो, ये देखो भाई क्या है, ये देखो ये मोमबत्ती है, पता है ये मोमबत्ती इतनी प्यारी। अबे वॉशरूम में क्या है, क्या कर रहे हैं ये लोग, है मॉडर्न कर दिया। अबे ये तो हमारे घर से भी अच्छा है वॉशरूम। अबे इतने सारे बलून लगे हुए, सुनो भाई एक काम करते बलून फाड़ते सारे, हाथ से फाड़ो, फाड़ो ना फाड़ो भाई, एक हाथ से फाड़ के देखो। अबे एक काम करते चाबी से फाड़ते हैं, चाबी से फाड़ते, सुनो भाई एक मिनट, आपका चैलेंज है आप यहाँ खड़े रहोगे, आपको हिलना नहीं, आपका चैलेंज है नहीं, कान में भी हाथ नहीं लगाने, बस इस तरह से खड़े रहना है, चलो सही है? कैसा लग रहा है? चलो ऊपर वाले भाई, ये पूरा बलून का गुच्छा लेकर आ गया हूँ मैं, और इसको अब फाड़ेंगे फुल, मतलब बिल्डिंग पे हंगामा कर देना, हंगामा हंगामा तबाही कर देंगे, तबाही। चाबियां निकालो अपनी, चाबियां निकालो, चाबियां भाई
भाई हम लोग हैं छोटे छोटे बच्चे, सही है, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी हम इनको फाड़ के खुश हो जाएंगे। चलो ओके, टू थ्री गो। ये तो फट ही नहीं रहे, ये तो कच्ची है। भाई आप इनके मुंह पे फाड़ेंगे। बोला मौला, ये चाइना की मौला जट चल रही है भाई। बच्चा है ना तू, है बच्चा नहीं है, बच्चा है, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल होता है भाई, क्या हो गया? अबे ओए, पूरी बिल्डिंग को गंदा कर दिया तुम लोगों ने। किसने किया है, किसने किया है, वहाँ से कोई बंदा है, वहाँ से कोई बंदा आया था, सारे बलून फाड़ के चला गया। गलत बात, ये देखो पूरा गीला कर दिया, ये देखो गंदा हो गया। सीसीटीवी में देखना पड़ेगा, सीसीटीवी में देखोगे ना हम निकलेंगे पागल। भाई पूरे दिन की छूट के बाद फाइनली हम लोग खाना खाने आ चुके हैं। बाबा रे कहाँ पर आ गए हम लोग? हम आए हैं जी कार्निवल बहरिया। कार्निवल बहरिया देखने में तो बड़ा टाइट लग रहा है, मैं आज तक नहीं आया यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मत आइएगा, क्यों? बहुत महंगा है। महंगा ठीक है, ठीक है, पैसा क्या है, क्या पैसा तो आने जाने वाली चीज है यार। क्या है बाबू भैया, कहते ना पैसा आज है कल नहीं है, तो परसों तो है, परसों तो है, सही बात है, पैसा हाथ की मैल है, पैसे की आप फिक्र ही नहीं करें, पैसे की एक चीज है ही नहीं, उसकी क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अब फोड़म फाड़ी करनी है हमें, फुल टायर्ड वाली। खाने क्या खाओगे आप? यार वसीम भाई जो खाना खिला रहा है हार्ट अटैक ना हो जाए। क्यों? उसने इतने बंदे बुलाए नहीं, तो पूछ भी रहा था ये बंदे कहाँ से आ गए। बंदे भी आ गए और बंदे 25.5 है, 25.5 है, देखो ना। हाँ ना 25.5 है ना, सही बात है। अभी ये भाई ना सीढ़ी से रोल करते हुए गिरे थे मेरी टांग पे, क्या हुआ था भाई? वो पानी पड़ा हुआ था, स्लिप हो गई, स्लिप हो गए। कहाँ से? ऊपर से नीचे गिरे थे आप डायरेक्ट? एक फ्लोर में बगैर जो है ना उतरे हुए, नीचे उतर गया। यू रोल होते हुए आ रहे थे सीधे मेरी टांग में। यार ये बचपन में ना हम लोग अलादीन में ना ऐसे जाया करते थे, याद है आपको? है ना, याद है, माशाल्लाह बहुत। अलादीन गिरा दिया यार, अलादीन गिरा दिया। फिर क्या करते थे अलादीन जाके? अलादीन जाके झूले झूलते थे। मत भाई चलो, बिस्मिल्लाह, चलो भाई अब है हमारी बारी। ऐसा क्या हो गया? ऐसा लग रहा है पहली मरतब आए, लग क्या रहा है ऐसे ही आए। बाबर भाई इस वक्त हम कराची में, कराची में है लेकिन अभी इतना सिक्योर है, हम इतना सिक्योर है कि बस मैं कह रहा हूँ कि मतलब फेंक दे मोबाइल। मैं कराची वाला हूँ, मैं तरसा हुआ हूँ, मैं अपना मोबाइल छुपा के रखता हूँ कराची की स्ट्रीट पे, लेकिन बहरिया टाउन में आया हूँ तो ये देखे मोबाइल कैसे रख के चल रहा हूँ, नजर आ रहा है तीन नुक्ते, ये देखे सुपरमैन, ये देखे जी कितनी प्यारी सीनरी है यहाँ पर। चले भाई सारे बॉयज बैठ चुके हैं, बॉयज नहीं इसमें कुछ अंकल्स भी हैं, कुछ अंकल्स नहीं है इसमें ना, सारे बॉयज नहीं है भाई। माशाल्लाह से मेन्यू चेक करते हैं, ओए होए भाई अरबिक फूड है, कढ़ाई चढ़ाई सब है भाई, फुल खतरनाक सीन है। अल्लाह ताला ना हर जगह से मुफ्ते करा देते, हर जगह से मुफ्ते, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। क्या कान में क्या बोल रहा था जल्दी बता? मैं बोल रहा हूँ टॉयलेट जा रहा हूँ, आ जा। अभी तो इतने चुपके क्यों बोल रहा है? टॉयलेट को गंदी चीज होती है, झुंड बैठा हुआ है, मतलब गंदी चीज नहीं है लेकिन मुझे पता कान में बोल रहा है उमेश कार यार वो टॉयलेट तो मैं जाना है। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं जाना, कह रहे मुझे जाना है यार चल ले यार, अकेले नहीं जा सकते क्या? तो खवातीन टॉयलेट नहीं जाती क्या? जाती है लेकिन थोड़ा सा देखे माहौल का तकद्दुस समझे। अच्छा थोड़ा सा एहतराम होता है, एहतराम होता है, एहतराम। सही सही सही, चले आपको टॉयलेट लेके चलते हैं, आ जाइए। कसम से मेरा दिल चाह रहा है मैं ना इसमें छलांग मार दूं, क्योंकि पानी देख के ना मुझे इतना अंदर से ना ये होता है, ये पानी देख के ना ये चेक करो भाई, मेरा दिल चाह रहा है यहाँ पर ना स्विमिंग कर लूं मैं, कसम से यकीन कर, है ना। बैरियर डाउन वाले भी बोलेंगे क्या कौन मेले लोग आ गए यार। आप एम्बियंस देखो यहाँ का, मतलब आपको लगेगा कि आप कोई किसी बाहर मुल्क में आ गए हो। रिजवान भाई वॉशरूम ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई ना फड्डा करने जा रहे हैं, फुल चौड़ापे में जा रहे हैं, मतलब ना सामने वाले को लगे कोई फड्डा वड्डा करने जा रहे हैं, कोई मामला हो गए यार। ये आप चेक करो ये कितनी प्यारी वॉल लग रही है माशाल्लाह। अबे पागल लेडीज वॉशरूम में जा रहा है, अबे रिजवान पागल लेडीज वॉशरूम में, अबे लेडीज है भाग यहाँ से, लेडीज वॉशरूम है, लेडीज वॉशरूम, ये देखो लिखा हुआ है, अबे लिखा हुआ है लेडीज टॉयलेट, जेंट्स में घुस भाई। जितनी भी खवातीन देख रही है माजरत भाई, ये है जेंट्स टॉयलेट, ये मुझे भी बनाई हुई है। आओ अंदर आओ ब्लॉग करने, हाँ चलो आओ ब्लॉग करते हैं भाई। अभी हम आ चुके हैं वॉशरूम में रिजवान भाई के साथ, अबे नहीं ना छोड़ दे भाई। रिजवान क्या कर रहे हो ये? अहमद भाई रिजवान ने जो धमाके किए हैं वॉशरूम में, जो धमाके किए हैं, पेट खराब है। हाँ अबे उसका पेट खराब है, ब्लॉग में रेटिंग लेने के लिए ये मूसा आवाज़ें नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं आवाज़ें आई हैं, पता है ऐसी, पता ही ये आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ आ रही थी। इनकी ड्यूरेशन बताया मुझे, क्या ड्यूरेशन? फिर यूँ आवाज़ आई
एक सेकंड ये वाली आवाज आई फिर इनकी ड्यूरेशन भी और देखे ना ये वॉशरूम में आपका सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं था नहीं नहीं कुछ नहीं लिखा था मैं एक वॉशरूम में गया था वहाँ लिखा हुआ था छोटा इनकलाब 5 रुपए पड़ा 10 रुपए ये अच्छा देखिए कितने बेवकूफ होते हैं अपना नंबर वॉशरूम में लिख के आ जाते हैं लड़के अरे वहाँ लड़कियां तो आएंगी नहीं वो तो जेंट्स वॉशरूम अबे लेडीज में घुस गया था अभी इसको मैं निकाल के बाहर लाया हूं, पता है लेडीज वॉशरूम में घुस गया और लड़ा करे एक भी लेडीज नहीं थी यार भाई माशाल्लाह माशाल्लाह फुल मलाई बोटी और यहाँ पर साइड वाली मटन कढ़ाई ओए क्या बात है भाई फाइनली फुल फोरम फाड़ी कर दिया है मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई और सुन भाई और क्या क्या था यार मलाई बोटी थी और पता नहीं मीठे में क्या था मैं नाम भूल गया पता नहीं क्या कोई अरबिक आइटम था कोई मीठे में बहुत सारी चीजें फोड़ दी मतलब मजा आ गया मेरे ख्याल से इनके 50-60 हज़ार रुपए खाने में खर्च हो गए तो भाई बहुत ही शुक्रिया इन लोगों का इन्होंने खाना वाना खिलाया तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।